नमस्कार मित्रों, हम आचार्य धर्मेंद्र जी आप सभी का प्यार और ज्योतिषी में स्वागत करते हैं। कहा गया है अगर आपकी प्रेमी या आपका प्रेमिका आपसे रूठ गया है और आपसे शादी करना नहीं चाहता है तो इस अवस्था में आपको देखिए करना क्या है। चाहे प्यार जैसा भी हो, प्यार सच्चा होना चाहिए। मैं आपको बार बार समझाता हूँ, अगर यदि आपका प्यार सच्चा है तो हम आपके साथ 22 घंटा है, पूरी 22 घंटा है। 22 घंटा में आपके सेवा में हर हमेशा तात्पर्य है। आपका प्यार सच्चा है तो हम आपके साथ 22 घंटा है। आपको सिर्फ देखिए करना यह है, हवन सामग्री लाना है, ठीक है। और हवन सामग्री ला करके उसमें थोड़ी सी घी मिलाना है। घी मिला करके आपको क्या करना है, जहाँ होलिका जलता है या जलाते हैं वहाँ जाना है और ये हवन सामग्री में घी मिला करके लेके जाना है। और अपने दोनों हाथों से क्या करना है, वो होलिका में डालना है। होलिका में डालते समय अगर यदि आप नवग्रह का मंत्र पढ़ते हैं तो अति उत्तम है। अगर नवग्रह का मंत्र आप नहीं जानते हैं तो नवग्रह का मंत्र आप हमसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं, हम आपको फ़ोन पर बता देंगे। और नवग्रह मंत्र से आप जो है उस पर हवन सामग्री डालिए। डालने से जो है आपका जो है नवग्रह ठीक होता है। नवग्रह जैसे ही ठीक होगा तो आपका प्रेमी, आपका प्रेमिका आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसका फैमिली भी तैयार हो जाएगा और आपका फैमिली भी तैयार हो जाएगा। दोनों में शादी में आने वाली सारी समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें ज़रा से भी दो बात नहीं। कहा गया है होली के दिन किया हुआ टोटका वो कभी भी विफल नहीं होता है, हर हमेशा वो सफल होता है। क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है, इस दिन होलिका को जलाया जाता है लेकिन होलिका जलता नहीं है। होलिका प्रहलाद को जब जलाया जाता है, प्रहलाद जलता नहीं, होलिका जल करके भस्म हो जाता है। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका के गोद में रखा जाता है। होलिका को बहुत घमंड होता है कि मैं तो, मुझे आग अग्नि जला नहीं सकता है, मैं प्रहलाद को जला दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता नहीं है। होता क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, उल्टा होलिका जल जाती है और होलिका जल जाती है प्रहलाद बच जाते हैं। इसमें से यही कहा गया है कि धर्म ही एक ऐसा चीज़ है वह सत्य का मार्ग अपनाता है। अगर यदि आप सत्य हैं तो आपका मार्ग अवश्य मिलेगा। कहा गया कितनों भी परेशानी हो आपकी सारी परेशानी दूर होगा, ये सिर्फ होली के दिन ये उपाय करने से। अगर यदि आप मेरे चैनल में नया है तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर नवग्रह मंत्र की आवश्यकता हो तो आप हमें कॉल कर करके नवग्रह मंत्र के बारे में जान सकते हैं। मेरा नंबर है 9547238746। ये नंबर पर आप कभी भी कॉल करके नवग्रह मंत्र का आप हमसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं या फिर नवग्रह का मंत्र का हमसे आप जाप भी उस टाइम करवा सकते हैं, जब अपना फ़ोन से भी एक साथ जो है लाइव के साथ उस टाइम में जो है हम लाइव भी उस टाइम चलाते हैं। अगर उस मेरे लाइव के साथ अगर जुड़ते हैं उस टाइम आप अगर यदि ऐसा उपाय करते हैं तो आपका समाधान अवश्य होता है। आप अपना ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखता हूँ, आपका व्यापार का ख्याल रखता हूँ, आपका बिजनेस का ख्याल रखता हूँ, आपके प्यार का ख्याल रखता हूँ। सिर्फ आप अपना ख्याल रखिए, प्रत्येक आधा घंटा पर पानी पिए और प्रीवियस लाइफ मत बताएं, पैसों का आदान प्रदान ना करें, किसी भी कीमत पर पैसों का आदान प्रदान ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपका प्रेमी आपसे दूर हो जाता है, आपका प्रेमिका आपसे दूर हो जाता है। आप खुद का ख्याल रखें, प्रत्येक आधा घंटा पर पानी को प्रणाम करके पिए, एक एक घंटा पर कम से कम मुँह को जूठा करें। ऐसा करते हैं जीवन में आपका आने वाली सारी समस्या दूर होता है और नवग्रह ठीक होता है। जैसे ही नवग्रह ठीक होगा आपके आने वाली सारी समस्या बिल्कुल ही ठीक होगा, इसमें ज़रा सा भी दो बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। अगर आपको और अति उत्तम करना है तो आप जो है ये उपाय होलिका दहन के दिन अवश्य कीजिए, आपका अवश्य मनोकामना पूर्ण होगा। जय माँ काली, आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।